ये देखिए, जब हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो जो भी सूखी पत्तियां वगैरह और कचरा निकलता है उन्हें ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड में गार्डनिंग करना और टेरेस पे गार्डनिंग करना 200% परेशानी ज़्यादा हमें होती है, क्योंकि इनमें से जो भी कचरा भी होता है उन कचरा को हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको अलग अलग करते हैं और अलग अलग करने के बाद फिर जो है हम उसे ठिकाने लगाते हैं या फिर खाद बनाने के लिए पॉलिथीन में या कचरे में जहां भी डालना होता है सॉफ्ट पत्तियां अलग, कांटेदार पत्तियों को अलग करते हैं और इस तरीके से। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे मैं निवेदन कर लेती हूँ कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हेलो नमस्ते, मैं सरिता दिल्ली से। आज वीकली ऑफ है, संडे है, और आज सुबह सुबह जब मैं टेरेस पे आई, क्योंकि आज मैंने सोचा कि एक दिन वीकली ऑफ मिल रहा है तो उसका अच्छा उपयोग किया जाए और अपने इन बच्चों के साथ अच्छे से वक्त गुजारा जाए। तो कुछ प्लांट्स जो बहुत दिनों से हमारे छूट गए थे, जिन्हें मुझे रीपॉट करना था, मैं रोज़ देख रही थी लेकिन समय अभाव के वजह से उन्हें रीपॉट नहीं कर पा रही थी। तो यही मेरा जो है ये स्नो बुश का प्लांट था। ये देखिए कि ये विक्टोरिया प्लांटर में लगा हुआ था, ये वाला विक्टोरिया प्लांटर इसे हम कहते हैं। ये देखिए, इसे विक्टोरिया प्लांटर। तो ऐसे ही दोनों प्लांटर में मैंने ये प्लांट लगा दिया था 1.5-2 साल पहले, लेकिन बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि इसमें जो है रूट बाउंड हो गया। हालांकि नीचे से अगर रूट बाउंड होता है तो इस प्लांट को अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर से इसकी जड़ें जो है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब प्लांट की ये जड़ें जो है ऊपर से निकल आई थी। ये दिख रहा है आपको? शायद आपको दिखे ना दिखे। ये देखिए, सारी जड़ें जो है इसके ऊपर से निकल आई थी पानी डालने के लिए। तो ये वक्त था कि हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसे शिफ्ट करने के लिए मैं इसके रूट्स को कुछ कट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस इसे सिंपली जो है ये गमला मैंने लिया और इस गमले को नीचे से खाली कर लिया थोड़ी सी मिट्टी डाल करके, और अब इसे उठा करके इसके अंदर मैं रख दूंगी स्ट्रेट। इसे इसलिए नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक विंका का भी प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए, बस ऐसे उठाना है और मुझे ऐसे इसके अंदर डाल देना है, और इसको डालने के बाद में मैं इस गमले को थोड़ा सा टैप कर दूंगी। टैप करने के बाद ये देखिए कि हल्का सा जो है इस मिट्टी को मैं करूंगी, क्योंकि रूट्स ऊपर ऊपर तक आए हुए हैं, अगर मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूंगी तो पौधा मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस ऊपर से और इसके अंदर मैं मिट्टी डाल दूंगी थोड़ा। तो बस ये मिट्टी डालने से ये अपने आप में मेरा जो ये प्लांट है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और लग जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट में अभी थोड़ी सी खाद और मिट्टी डालने का समय आ गया है, और एक दिन में इतने 400-500 गमले हैं, सब में मिट्टी डालना और सबकी गुड़ाई करना संभव नहीं है। तो आज 2-3 घंटे इसमें लगेंगे ज़रूर, जितना मैं कर पाती हूँ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीक के लिए रखूँगी रूटीन कि इन पौधों के साथ समय गुजारूँ। और मेरी सूखी जो है मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, आजकल ये खाना वाना नहीं खा रही है, घास ढूंढती रहती है, पता नहीं कौन सा घास। तो एज इट इज़ मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये दो गमलों में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। ये दोनों गमले मेरे इर्द गिर्द रखे हुए हैं, दोनों शिफ्ट कर दिया है, और इसमें जो कुछ भी जैसे रखना था वैसे रख दिया। और ये मेरा एक सोलर लैम्प है, सोलर लैम्प, और इसे मैंने जहाँ जो प्लांट मेरे धूप में होते हैं उसके अंदर लगा देती हूँ, ताकि धूप से सारा दिन ये चार्ज होता है, और जैसे अंधेरा होता है आपको मालूम है कि इसमें लाइट आ जाती है। तो इसे भी मैंने इसके एक साइड में लगा दिया, जैसे दोनों ही गमलों में मैंने साइड में लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें भी लगा दिया है। तो इस गमले को मैं यहाँ पे रखूँगी, ये देखिए इसको मैं इस जगह पे रखूँगी, और दूसरा वाला जो मेरा है ये देखिए मैं आपको शिफ्ट करा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ रखा है। तो दोनों ही साइड में ये लैंप आ जाता है, ये देखिए ये दोनों ही साइड में लैंप आता है, तो ये वाली जगह ऐसे हो जाती है। यहीं पे मैंने इस प्लांट को रखा हुआ है।
तो इस तरह से ये दोनों लगा दिया। और अब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन्हें मुझे शिफ्ट करना है। ये देखिए ऑक्टोपस है, और कुछ मैंने डॉग फ्लावर के बीज जो है इसमें लगा दिए हैं। इस तरीके से आज और कितना सारा काम कर पाऊंगी, थोड़े बहुत कटिंग की काम करने की भी ज़रूरत है मुझे, तो उसकी कटिंग वगैरह भी मैं करूँगी। और देखती हूँ कि कुछ शिफ्ट करने का मन हो रहा था, कुछ प्लेसेस शिफ्ट करना था, क्योंकि सर्दियाँ आएंगी, देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, और सर्दियाँ आएंगी तो बहुत सारे प्लांट्स को मुझे उसे अलग अलग जगह पे रखना होगा। तो बस अब उसी में लगे हुए हैं, अब सारा दिन आज इसी में लग करके, और फिर आपको जब सारा काम हो जाता है तो अपडेट देती हूँ मैं। वैसे ही एक मेरा ये फाइकस का प्लांट था, बहुत दिनों से मैं इसे एक शेप देना चाह रही थी, तो आज मौका मिला तो मैंने कहा कि इसे एक शेप देती हूँ। ये देखिए, ये जो इसकी डालियाँ थी इसे मैंने आपको दिखाती हूँ, बड़े गमले में लगा हुआ है। तो ये जो है सुतली जो आती है उससे मैंने इसको बांधा है, बहुत टाइम हो गया इसे बांधे हुए, तकरीबन मुझे लगता है कि एक साल हो गया है इसे कि रंगत से आपको पता लग रहा होगा। कुछ और जगह को मैंने बांध करके और इसे एक टोपेरी का शेप देना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने इसे बांधना शुरू किया। तो ये दो तीन डालियां मैंने बांध दी है, यहाँ पे ये छोटी डाली को भी अगर मैं ऐसे बांधूंगी तो ये यहाँ पे एक बॉल का शेप आ जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ के धागे को और राउंड राउंड शेप में आप इसे घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद आप इसे पूरी अच्छी तरीके से बांध लेंगे तो फिर इसके शेप, इसको शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने इसे सारे तरीके से इसे गोल गोल करके बांध। तो साथियों ये देखिए, इसी तरीके से मैंने इस सारी डालियों को इसके बांध दिया है, और ये अब अलग अलग गुच्छे में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सारे जो गुच्छे हैं इसे मैं शेप दूंगी, इसको शेप अप करने के लिए इसको राउंड शेप ऐसे दे करके, और हर एक डाली में अलग अलग गुच्छे हो जाएंगे। हम लोगों के लिए ऐसे ही जो नौसीखे लोग होते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत कुछ अपने अनुभव से ही प्राप्त करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको सोचा कि इसे बनाते हैं, वरना बहुत साल लग जाते हैं एक टोपेरी बनाने के लिए फाइकस के। तो अब इसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ, और कटिंग करने के साथ ही बहुत सारी और चीज़ें जो हैं, गमले हैं, देखिए जैसे कि अब इस गमले में मिट्टी बहुत कम हो गई है बरसात के वक्त में, तो इसमें मिट्टी में फिलअप करूँगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे गमले हैं कि बारिश के टाइम में थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो उसकी निकलती ही रहती है, और मिट्टी जब निकलती रहती है तो गमले खाली हो जाते हैं। तो अब कुछ मैंने बीज लगा दिए हैं आज, और कुछ और जो गमले खाली हो गए हैं बरसात की वजह से, बारिश की वजह से, उन्हें फिलअप करूंगी। और फिलअप करने के बाद सब में अब खाद डालने का वक्त आ गया है। तो ये सारा कुछ पूरा अपडेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अपडेट मैं आपको देती हूँ। फाइनली जो कुछ भी आज मैं संडे को कर पाऊंगी छुट्टी वाले दिन, उतना सब कुछ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए कि अंततः मैंने इन सारे पौधों को जो एक शेप देना था अलग अलग मैंने शेप दे दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अलग अलग इसके बंच दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और सारी कटिंग करके मैंने जो निकाली थी वो निकाल दी है, और कुछ और भी मैं ये जितने भी सेंसेवेरिया के मेरे प्लांट्स हैं इन सारे को अलग किया है, और इसे अलग करके मैं नीचे ले जाने वाली हूँ। और कुछ एरिया जो है इस तरफ से क्लीन अप करने की कोशिश मैंने की है, गुड़ाई मैंने डिगिंग जो है तकरीबन सारे प्लांट की कर ली है, और अब खाद वगैरह डालूंगी। अब आज के दिन में यहाँ से ये जगह खाली की है, अब इसे धोना होना है, तो आज बस इतना ही मैंने काम किया। ये देखिए सारे कुछ इधर निकाल के मैंने रखा है, अब इन सब में जो है खाद जितना डालना है वो सब डालूंगी, और स्टैंड वगैरह जो है इधर से सफाई करके मैंने छोड़ा है, तो इसे धो करके टेरेस गार्डन को और फिर से अच्छे से सेट करूंगी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ कॉर्नर को अलग ढंग से सजाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो जो एसेसरीज भी मैंने ली थी वो भी अभी रखी हुई है, और अभी तक मैंने उसे डेकोरेट नहीं किया है। तो आज बस इतना ही, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना आप सब खूब खूब ख्याल रखिए, अपने बागीचे का ख्याल रखिए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, और सैनिटाइजिंग वगैरह का बिल्कुल ख्याल रखिए, उसमें बिल्कुल छोड़ने की या फिर आलस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं चलती हूँ, और जब ये पूरा चेंज कर लूंगी तो फिर एक नए वीडियो के साथ, नए विषय को लेकर के आप सबसे मिलने आऊंगी। नमस्कार।